दे जिसका भी घर है, सुबह मुकदमा दर्ज करूंगा आपके खिलाफ। रवाना हो जाएंगे, छूटे मार के भगाऊंगा ऐसे। यानी जो त्योहार आ रहा है उसको तो मनाने के लिए रोक है, और तुम्हें लीगल प्रैक्टिस शुरू कर दिया। एक एक को घर के दौड़ा दौड़ा के मारूंगा मैं, यह ध्यान रख लीजिएगा। अभी जिस तरह का सोशल मीडिया पे नागौर पुलिस का एक कृत्य सामने आया, जिसमें लाडनो SHO माइक हाथ में लेके लोगों को भगा रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाग जाओ नहीं तो जूते मारूंगा, पीटूंगा, तुम्हारे घर का राज नहीं है। ये कोई खुद का पारिवारिक कार्यक्रम था, सांस्कृतिक पारिवारिक कार्यक्रम था और धार्मिक आयोजन था। उस आयोजन में नागौर पुलिस के SHO इस तरह का वीडियो आना, नागौर पुलिस की छवि को और शर्मसार कर रहा है। एक तरफ तो नागौर पुलिस के नागौर में अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है, थाने पे सब रख के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ फर्जी फेक एनकाउंटर राजस्थान के अंदर हो रहे हैं और अपराध में राजस्थान एक नंबर की ओर जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री और DGP से आग्रह करता हूँ, ऐसे अगर पुलिसकर्मी और ऐसे पुलिस के अधिकारी लोगों को धमकाएंगे, लोगों के घरों में घुसकर पब्लिक को धमका कर खौफ पैदा करना चाहेंगे तो ये कतई मंजूर नहीं। पुलिस की अगर हिम्मत है, जो पुलिस पे सरेआम गोलियां चला रहे, ऐसे लोगों का एनकाउंटर करे पुलिस। पुलिस तो ऐसे लोगों का एनकाउंटर करे जो गरीब है, पीड़ित है, जो शोषित है, इनका एनकाउंटर करके राजस्थान पुलिस अपना नंबर बढ़वाना चाहती है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस मामले में, वायरल वीडियो के मामले में DGP को कार्रवाई करनी चाहिए, इसका अच्छा मैसेज जाएगा, नहीं तो लोग यही सोचेंगे कि पुलिस भी अब गुंडों के साथ मिलकर धमकाने का काम कर रही है।